कहानी जादुई नदी। सोनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक जादुई नदी थी। उस नदी का पानी हीरे जैसा चमकते रहता था। उस नदी में बहुत सारे हीरे और सोना था। जब भी गांव वाले उस नदी के पास आकर उससे कुछ मांगते तो नदी एक हीरा निकालकर दे देती। उसी गांव में एक लोहार मोहन अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। अरे सुधा, लगता है तूफान आने वाला है। कितना अंधेरा छा रहा है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है जी। इस तूफान के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर बारिश हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारा मिट्टी का घर इतनी तेज बारिश में गिर जाएगा। ऐसा मत कहिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो जो भी हो, ऊपर वाले की मर्जी से ही होगा। फिर उस रात तेज बारिश होती है और मोहन का मिट्टी का घर गिर जाता है। वो दोनों दुखी होकर सुबह तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। सुनिए जी, कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। हमारे पास ले देकर यही एक मिट्टी का घर था, उसे भी बारिश ने गिरा दिया। अब सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। क्यों ना हम जादुई नदी से मदद मांग ले। आखिर पूरे गांव के लोग तो उस नदी से ही मदद मांगते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। फिर वो दोनों जादुई नदी से मदद मांगने के लिए उसके पास आते हैं। अरे देखो तो, नदी कैसे हीरे की तरह चमक रही है। मोहन नदी को अपनी समस्या बताता है। जादुई नदी, कल रात की तेज बारिश में मेरा मिट्टी का घर गिर गया। हमारे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। हमारी मदद करो, हम बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आए हैं। तुम दुखी मत हो मोहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम एक हीरा ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगा। मोहन और उसकी पत्नी सुधा हीरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों हीरे को लेकर अपने घर जाते हैं। नदी को गांव वालों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था और गांव वालों को भी उस नदी से बहुत प्यार था। एक दिन दो दोस्त नदी के पास बैठकर बातें करते हैं। अगर हमारे गांव में ये जादुई नदी न होती तो हमारा क्या ही होता। हाँ भाई, इस नदी ने हमारे गांव को खुशहाल बना के रखा है। ऐसे ही नदी की बात करते हुए दोनों के मन में लालच आ जाता है। मेरे मन में एक बात है। वो क्या बात है? क्यों ना हम इस नदी के सारे हीरे निकाल कर अपने पास रख लें। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इतना मुश्किल काम हम करेंगे कैसे? और अगर गांव वालों को पता चल गया तो? ये काम हमें रात में करना पड़ेगा, तब गांव वाले भी नहीं होंगे। ठीक है, तो तुम टोकरी लेकर आना, मैं जाल लेकर आऊंगा। अरे बेवकूफ, हमें मछली नहीं पकड़नी है, हीरे निकालने हैं। उसके लिए जाल नहीं चाहिए। फिर क्या लेकर आऊं? 4-5 बोरी लेकर आना और मैं बाल्टी लेकर आऊंगा। ठीक है, अब तो हीरे हमारे ही हो गए। अगर हमने ऐसा किया तो हम गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। गांव में नहीं, पूरे शहर में। अरे हाँ हाँ, फिर तुम अंबानी बन जाओगे और मैं अदानी बन जाऊंगा। और फिर तो विदेश भी घूमेंगे। ये सोचकर दोनों दोस्त अगले दिन नदी से हीरे निकालने के लिए बाल्टी और बोरियां लेकर आते हैं। लेकिन कोई ना कोई नदी के पास आकर मदद मांग रहा होता है। दोनों बहुत देर तक इंतजार करते हैं। देखते ही देखते बहुत रात हो जाती है। तब दोनों नदी के पास जाते हैं। क्या हुआ?
सब ठीक तो है ना? तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? कुछ ठीक नहीं है। हमारे पास ना ढंग के कपड़े हैं और ना ही ढंग का खाना, ना रहने को अच्छा घर। नदी उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये लो एक हीरा, इससे तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं, हमें ये हीरा नहीं चाहिए। हीरा नहीं चाहिए? तो और क्या चाहिए तुम्हें? हमें एक हीरा नहीं, पूरी नदी चाहिए। जब सामने पूरा खजाना रखा हो तो एक हीरा कौन लेता है भला? आज हम तुम्हारा सारा हीरा ले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे मत करना। तुम लोगों को जितने हीरे चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन लेकिन मेरे सारे हीरे मत निकालना। मदन और चमन नदी की बात नहीं सुनते और नदी में घुस जाते हैं और हीरे निकालने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने एक हीरा निकाला, वैसे ही नदी पूरी सूख जाती है और वहाँ सिर्फ पत्थर और मिट्टी ही नजर आता है। अरे ये क्या, नदी का पानी पूरा सूख गया और सारे हीरे गायब हो गए। चलो चलो जल्दी से भागो यहाँ से। गांव वालों ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे हाँ, चलो चलो चलो। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कुछ गांव वाले नदी के पास मदद मांगने आते हैं। अरे ये क्या, नदी की ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे बचा लो, मैंने तुम लोगों की बहुत मदद की है, आज मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। हाँ बोलो, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। उस पेड़ का एक पत्ता लाकर मुझ पर डाल दो तो मैं पहले जैसे हो जाऊंगी। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन चुड़ैल वाले पेड़ से पत्ता कैसे लाएंगे हम लोग? हाँ, मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं ला सकता। तभी वहाँ मोहन आता है और इन सब की बातें सुनकर कहता है, तुम चिंता मत करो नदी, मैं तुम्हारे लिए वो आम का पत्ता लेकर आऊंगा। गांव वाले उसे देखते रह जाते हैं। वो घर आकर अपनी पत्नी सुधा को सारी बात बताता है। हमारे बुरे वक्त में नदी ने हमारी बहुत मदद की थी, आज नदी को जरूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो दोनों जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में उन्हें एक आवाज आती है, रुको, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते उस आम के पेड़ के पास। कौन हो तुम, क्या तुम हमें जानते हो? तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। ये क्या, आप कौन है? मैं एक परी हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों आम का पत्ता लेने जा रहे हो, लेकिन उस पत्ते को तोड़ना मुश्किल है क्योंकि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। हाँ, हमें नदी ने ये बताया है। मैं तुम्हें ये छड़ी देती हूँ, जैसे ही तुम उस आम के पेड़ के पास पहुँचोगे ये छड़ी गोल गोल घुमा देना, इससे चुड़ैल बेहोश हो जाएगी और तुम पत्ता तोड़ लेना। धन्यवाद। थोड़ी दूर आने पर उनको आम का पेड़ दिखाई देता है। मोहन वहाँ पहुँच कर छड़ी घुमाता है, चुड़ैल बेहोश हो जाती है। वो पत्ता तोड़कर नदी के पास वापस आता है। मैं आम का पत्ता ले आया। ये कहकर वो उस पत्ते को नदी में डाल देता है। पत्ता नदी में गिरते ही नदी पहले जैसी हो जाती है और वो मोहन और सुधा से कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। जादुई नदी, आपने भी तो हमारे मुश्किल वक्त में मदद की थी ना? मदद तो मैंने सब की थी, लेकिन मेरे सूखते ही गांव वाले ये एहसान भूल गए। फिर जादुई नदी मोहन और सुधा से खुश होकर उनको बहुत सारे हीरे देती है और फिर वो लोग अपना अच्छा सा घर बना लेते हैं और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी ने आपके मुश्किल वक्त में आपकी मदद की हो तो उसके बुरे वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।